पहले विश्वनाथ मंदिर हमारा बहुत जो ये परिसर था अत्यंत संक्षेप में था। आज 50,000 वर्ग मीटर में काशी विश्वनाथ मंदिर से विश्वनाथ धाम परिसर के रूप में विकसित हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सिद्ध संकल्पों से आज ये पूरा आप जो भव्य और दिव्य ये काशी विश्वनाथ धाम देख पा रहे हैं, इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अद्भुत योगदान है और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मॉनिटरिंग है उसका ये परिणाम है कि ये समय से कार्य की ये सिद्धि देख रहे हैं। इसमें आप म्यूजियम हॉल देखेंगे कि वैदिक केंद्र है, गंगा व्यू गैलरी है, भोगशाला है, 24 बिल्डिंगें बनी हुई, मल्टीपर्पज हॉल हैं, यात्री सुविधा केंद्र हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के 24 जो है सुविधा यात्रियों के लिए, सीधे माँ गंगा में स्नान कर करके यात्री आएगा, बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाएगा अगर वो चाहे, उसके सामान रखने की निःशुल्क सुविधा है, वो अपना सामान रख करके अपना मोबाइल रख करके, फिर यहाँ जलपान गृह भी बन रहा है, फिर वहाँ अपना जलपान करे, बाबा का दर्शन करे और यहाँ से, यहाँ तमाम तरह के आप देख रहे हैं पैनल लग रहे हैं जो लगभग 20 जो है पैनल ऐसे लग रहे हैं जिनमें उनमें बाबा का काशी का महत्व, द्वादश आदित्य, 56 विनायक, 64 योगिनी, ये जो काशी में बाबा विश्वनाथ जी के द्वारा प्रेषित की गई आई उनका महत्व। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आदमी एंट्री करेगा तो उसको संपूर्ण काशी का महत्व, काशी में जितने देवी देवता हैं उनके विषय में यहाँ बतलाया गया, पत्थरों में सारी चीज़ें उकेरी गई हैं, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है और माता अन्नपूर्णा यहाँ बैठी हुई हैं, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से काशी विश्वनाथ धाम में वो सारे जो मंदिर यहाँ निकले हुए हैं, काशी खंडोक्त मंदिर, उन मंदिरों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है और जो और भी प्रसिद्ध मंदिर निकले हैं उनको भी संरक्षित करके यथास्थान में प्रशासन, मंदिर प्रशासन काम कर रहा है। गेट बन गए हैं, चार गेट मंदिर परिसर में, ये चार गेट बने हैं आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में, लाल बलुआ वाला पत्थर लगा हुआ है, चुनार का मकराना का पत्थर लगा है, जाली लगी हुई है, तो बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित जिसको भव्य और दिव्य कहा जाए ये काशी विश्वनाथ धाम द्वार जो है आज दुनिया के लिए नज़ीर बन के उभरा है, जहाँ कम से कम 50,000 लोग एक साथ बैठ करके भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। अभी तक ऐसी सुविधा उत्तर प्रदेश क्या भारत के हिंदू किसी मंदिर में नहीं थी। कितना असंभव चीज़ ये संभव हुई है। निश्चित आपने सही कहा कि बहुत ही असंभव कार्य था, क्योंकि 400 मकानों के बीच में ये परिसर था और उन लोगों से मकान लेना, फिर उनको पुनर्वासित करना, ये बहुत ही एक परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन भगवान विश्वनाथ ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ये ऊर्जा दी, काशीवासियों ने सहयोग किया, यहाँ के लोगों ने सहयोग किया, उसका ये प्रतिफल है आज काशी विश्वनाथ धाम कि सभी लोगों ने अपने आवास की व्यवस्था पुनर्वासित की और विश्वनाथ धाम के विकास में सभी लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दे करके ये बाबा विश्वनाथ धाम को इतना विकसित और प्रकाशित, भव्य और दिव्य करने में सहयोग किया। शास्त्रीय परंपरा में मंदिर और धाम में क्या अंतर होता है? देखिए, मंदिर तो मंदिर परिसर होता है, जब धाम हम कहते हैं तो तीर्थों के नाम में आ जाता है और धाम का मतलब होता है वहाँ काफ़ी मात्रा में देवी देवताओं का एक स्थान। तो बाबा विश्वनाथ धाम जैसे चारों धाम हैं उसी तरह से काशी भी एक धाम है और बाबा विश्वनाथ धाम का ये भव्य स्वरूप ले लेना, विस्तारित परिक्षेत्र हो जाना जहाँ सभी प्रकार के देवी देवताओं का दर्शन होना और माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का एक साथ दर्शन कर पाना, यही तो धाम की विशेषता होती है और बाबा विश्वनाथ धाम में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये धार्मिक टूरिज्म को कितना ये बढ़ावा देगा? देखिए, आपने बहुत सही बात कही, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका बहुत ही अच्छा फल दिखाई ही दे रहा है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से, टूरिस्ट की दृष्टि से ये भारत के लिए नंबर एक की चीज़ खड़ी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे माँ गंगा का सीधे दर्शन निहारते हुए जब इस भव्य और दिव्य धाम को देखेंगे तो ये दुनिया के लिए नज़ीर बन करके उभरेगा और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे यहाँ के जो निवासी हैं उनको आर्थिक वृद्धि होगी, हर वर्ग के लोगों को समृद्धि होगी, व्यापारी को समृद्धि होगी, जब पर्यटन बाहर से आएगा, पर्यटक यहाँ कुछ खाएगा पिएगा निवास करेगा, तो पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये शहर पहले भी था, अब इस तरह का विकास हो जाने से पर्यटन तीर्थयात्रियों की, बहुत भक्त श्रद्धालुओं की मात्रा यहाँ बढ़ेगी जैसी उम्मीद है। दिनों दिन हम लोग देख भी रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, अब उद्घाटन करने आ रहे हैं जी, किस तरह की तैयारी? देखिए, पूरा मंदिर जो है, पूरी काशी जो है उत्साह में है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2018 में इसका संकल्प लिया था फड़ुआ चला करके, आज ये भव्य दिव्य, इतनी बड़ी इमारतें, इतना बड़ा विशाल धाम, लोगों को कल्पना से परे था कि इतनी जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत
हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर आते रहे, महीने में दो बार, महीने में तीन बार तक आते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, और प्रधानमंत्री जी का एक सत्य संकल्प था, भगवान विश्वनाथ ने उसको पूर्ण कराया है। और ये बाबा विश्वनाथ का धाम पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री को यशस्वी होने की शुभकामना करता है, और देशवासी काशीवासी उत्साह और उमंग में चारों तरफ यहाँ एक महीने तक लगातार महोत्सव मनाए जा रहे हैं पूरे काशी में। पूरे काशी उत्सव और उमंग के साथ इस अवसर को आंखों से देखना चाहती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का कार्य लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। वर्तमान में लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। ज़्यादातर फिनिशिंग वर्क और सफाई वर्क चल रहा है, जो यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इस धाम में शीघ्र ही जनता के समक्ष होगा पूर्णता के बाद। कब शुरू हुआ था सर, और कब कितना लिमिट में ये काम बहुत तेजी से हुआ है, किस तरह से? इस प्रोजेक्ट के जो शिलान्यास था वो 8 मार्च 2019 को हुआ था, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से हम लोगों ने पूरी परिसंपत्तियों को क्रय कर, लोगों को पुनर्वासित कर, लगभग 400 परिसंपत्तियाँ क्रय की, 1400 लोगों को पुनर्वासित किया। उसके उपरांत इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने शीघ्रता से कार्य कराया और तय समय सीमा में कार्य को पूर्ण करा लिया। ये अभी कितने मजदूर काम कर रहे हैं और कितने इंजीनियर लगभग लगे हुए हैं इसमें आज फाइनल टेस्ट देने में? यह परियोजना लगभग 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली, जिसमें लगभग 24 भवन हैं। 339 करोड़ की यह बेसिक परियोजना थी, जिसमें वर्तमान में लगभग 2600 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, और तेजी से इस कार्य को पूर्ण कर करके हम लोग जनता को समर्पित कराएंगे सीधे ही। शीघ्र ही 3 पालियों में काम हो रहा है, 3 लगातार युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, इसको शीघ्र ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। 13 तारीख को पीएम भी आ रहे हैं के आने की सूचना है, तो उनको देखते हुए काम पूरा कर लिया जाएगा उसमें समय तय सीमा में? बिल्कुल, हम लोग तय समय सीमा में कार्य पूर्ण कर, कार्य हमारा लगभग पूर्ण है। मैंने बताया, पहले ही बताया कि सफाई वर्क और फिनिशिंग वर्क का कार्य चल रहा है, जो कि चूँकि इस छोटा सा महीन काम बारीक काम होता है, थोड़ा समय लगता है। अदरवाइज मुख्य सिविल वर्क लगभग लगभग पूरा है। तो कितने दरवाजे बनाए गए हैं इसमें और किस किस दरवाजे से क्या क्या गतिविधियाँ रखी जाएंगी ये गर्भगृह को लेकर के? मुख्य मंदिर परिसर एक्चुअली 4 मुख्य दरवाजे होंगे मुख्य मंदिर परिसर में, तो और लगभग 3000 वर्ग मीटर एरिया में फैला है मंदिर का परिसर। उसके बाद पूरे अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो जितने भी प्राचीन रास्ते थे उन सभी रास्तों को हम लोगों ने यथावत रखा है, उसमें कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। साथ ही साथ जो रास्तों से पहले मंदिर में दर्शन होते थे, चाहे वो डुंडी राज कड़ी स्मारक हो, जिसको कि हम लोग गेट नंबर 1 पहले से बोलते थे, छत्ताद्वार हो, सरस्वती गली हो, नीलकंठ गली हो, इन सब गलियों से भी यथावत लोग आकर के अपना दर्शन करते रहेंगे। यानी कि हमने पुरानी जो गलियां थी, मार्ग थे, उनको बंद नहीं किया है, और बेहतर फैसिलिटेट किया है उन लोगों को कि वो आकर के दर्शन कर सकें। साथ ही पूरा प्रोजेक्ट बनाते समय आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि पूरा मतलब मंदिर परिसर जो है सकरी गलियों में और घनी आबादी के बीच था, तो परिसर बनाते समय ये उद्देश्य रखा कि भवनों के साथ साथ खुले स्थान को भी रखा जाए, साथ ही साथ जो यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ या पर्यटन को बढ़ावा मिले ऐसी भी चीज़ों को रखा जाए। तो हम लोगों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रखा है, ओपन स्पेसेस रखे हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी, यात्री सुविधा केंद्र रखे हैं, वैदिक केंद्र रखे हैं, जहाँ वो अपनी आध्यात्मिक गतिविधियाँ कर सकें। कुल मिलाकर के एक शांति का और एक अध्यात्म का एक अच्छा माहौल मिले, ये उद्देश्य था इस परियोजना को बनाते समय।